दिल्ली से देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर देवीपुर में चल रहे हैं निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान वह वहां के चिकित्सकों से भी मिले और व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। इसके बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि देवघर को जून के महीने में बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि जून में एम्स की ओपीडी सेवा हर हाल में बहाल कर दी जाएगी, जिसका उद्घाटन देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद करेंगे। देवघर से गुड्डू झा। ओपीडी तो तैयार है और डायरेक्टर साहब ने डेट भी फिक्स किया था और मंत्री हर्षवर्धन जी जो है वो आने को तैयार भी हो गए थे। डेट भी तय हो गया था 18 अप्रैल। 17 अप्रैल को मधुपुर का इलेक्शन ख़त्म हो रहा था और 18 अप्रैल का एक डेट फिक्स था कि हम लोग इसका उद्घाटन कर लेंगे, लेकिन उस वक्त जो है यहाँ का जिला प्रशासन तैयार नहीं हुआ। किस कारण से तैयार हुआ नहीं पता, क्योंकि 17 तारीख को मधुपुर चुनाव खत्म होने के बाद 18 को आने से कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता, लेकिन चुनाव आचार संहिता थी इस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद से डायरेक्टर साहब लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये जल्दी से चालू हो जाए। मेरी भी वहाँ मंत्री हर्षवर्धन जी से और जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, दोनों से बात हुई थी, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी था तो मेरा एक दूसरा ऑप्शन था कि ओपीडी से पहले जो है कोरोना केयर का जो है कुछ बेड दे दीजिए जिससे हम चालू कर पाएँ। तो उस कारण से थोड़ा डिले हुआ, मंत्रालय से लगातार टच में हूँ और जो उम्मीद है कि जून में किसी भी दिन, मतलब 7 जून के बाद किसी भी दिन जो है ये ओपीडी चालू होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।